और सीएसपी के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, उसमें प्रथम दृष्टया तो यही समझ में आ रहा है कि गैस लीक हुई है और जो गैस लीक हुई है उसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है ऐसा लग रहा है। पर अभी देखा कि टंकी फूटी नहीं है, टंकी तो वैसे की वैसी है जैसी है और टंकी में ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी गैस बाकी भी है। तो रात में वो गैस लीक हुई है और जैसे ही महिला ने लाइटर से जलाने की कोशिश की है वैसे वो ब्लास्ट हुआ है ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। और ये ठीक है, दुखद खबर है, बट जो महिला है वो भी ऐसा डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि 20% जली हुई है और कोई शुक्रिया भगवान का कि कोई नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे हम इसका पंचनामा बनवा रहे हैं और जो भी नुकसान हुआ उसका वाजिब राशि उनको दिलाई जाएगी। और कोई घायल हुए थे क्या, कोई और कोई चपेट में? एक और यहाँ बाहर बच्चा खड़ा था, उसको कोई सी चीज ब्लास्ट हुआ तो लगा है, उसको दो टाके आए हैं, सब बताया गया है। टोटल पांच जने घायल हो गए। सर आज एक घटनास्थल पर आए, कौन सी जगह है, क्या कुछ सूचना मिली थी और क्या कुछ हुआ है पूरे मामले? यह सिंधी कॉलोनी गली नंबर 5 में राजकुमार आसवानी का घर है जो कपड़े की कर्तन का व्यवसाय करते हैं। घटना की सूचना ये मिली थी कि उनके घर में कुछ ब्लास्ट हुआ है और इसके कारण महिला घायल हुई है। यहाँ आकर घटना स्थल को देखा गया, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इनके घर में जो गैस कनेक्शन है वहां पर शायद गैस लीक हुई है और उसके कारण गैस कंप्रेस होकर द्रवीकृत रूप में घनीभूत होकर के सारे कमरे में रात को शायद फैल गई है। और जैसे ही इस महिला ने, जैसा कि उसने अपने बयान में भी बताया है कि मैंने जैसे ही लाइटर को जलाया है वैसे ही ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि जो आवास है वो बिल्कुल बंद है, 10x50 का सकड़ा है, कहीं उसके गैस के निकलने के रास्ते नहीं है। और आजकल जो सीजन जो चल रहा है वो सर्दी का सीजन है, बादल है और ओस पड़ रही है, तो ऐसे समय ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि गैस को निकलने का कोई मार्ग नहीं बचा है और रात को कंप्रेस्ड हो गई, क्योंकि गैस के आसपास चारों तरफ भी बर्फ जमा है। ये जो सिम्टम्स है ये द्रवीकृत गैस का आता है, कंप्रेस्ड गैस का आता है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि इसी कारण ये दुर्घटना हुई है। सर घर में कितने सदस्य थे और क्या कुछ? 5 व्यक्ति थे घर में, महिला सपना और एक बेटा घायल हुए हैं। अभी तो कोई ज्यादा ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है ऐसा बताया गया है। बालक को 2 टाके आए हैं और महिला 20% उसको शायद जली गई। बाहर दरवाजे के परखच्चे उड़े थे, कुछ और चपेट में आए? अभी बाहर के बारे में सूचना नहीं कि कुछ चपेट में आए या नहीं आए, ये तय है कि दरवाजे सभी टूट गए इनके।